मेरे सभी दर्शकों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आज योगाभ्यास से थोड़ा हटकर है। आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ मुद्राओं से संबंधित है। आज हम योगाभ्यास न करके उसी का ही पार्ट है ये मुद्रा, तो हम आज पांच अलग अलग मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इन मुद्राओं को करने से हमारे शारीरिक विकास होने के साथ साथ हमारे मानसिक विकास और जो हमारे आंतरिक अंग हैं, जो जिससे हमारे शरीर मतलब चलता है, इस शरीर का वर्किंग होता है, उनका विकास और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सारी मुद्राएँ हैं। तो मैं अभी एक एक करके आपको पांच मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको इन सारी मुद्राओं के बारे में अच्छी नॉलेज हो और अच्छे से आप कर सकें। दोस्तों, जो मेरा पहला मुद्रा है वो है ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा के लिए आप सबसे पहले ऐसे ही सुखासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए। तत्पश्चात आप ये दोनों पंजे हैं, इन पंजों को गर्जनी उंगली से अंगूठे को ऐसे स्पर्श कराएंगे। ये हो गया, ये दोनों पंजों की, और ये तीनों उंगलियाँ साइड वाली सीध रही। अब इसको हमें नींव पर रखना है, ऐसे सीध, और इस स्थिति में आकर आपको अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे श्वास अंदर और बाहर की तरफ जा रहा है तो उस पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, इस स्थिति को ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, और यदि आप इस ज्ञान मुद्रा को रोजाना 3 से 5 मिनट करते हैं तो आपके मानसिक विकास जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, भय, ये सारे विकास दूर हो जाएंगे। साथ ही मानसिक विकास से मानसिक ग्रोथ भी होता है। तो आप इस मुद्रा को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब जो हमारा दूसरा मुद्रा है वो है ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा के लिए सेम इसी स्थिति में आ जाएंगे। तत्पश्चात अब दोनों ये पंजे हैं, इसको बाएं पंजे के ऊपर दाहिना पंजा ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे, और इसको सामने की तरफ रख लेंगे। अब इस स्थिति में आकर हमें 3 से 5 मिनट अपने मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, तो ये रही ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में आने से जो इंसान का दिमाग माइंड है वो उसी कंसंट्रेशन पावर एकाग्र क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही जो ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो वो चक्र भी इस मुद्रा में आने से जागृत होते हैं। अब दोस्तों, जो हमारा तीसरी मुद्रा है वो है आकाश मुद्रा। तो आकाश मुद्रा के लिए सेम पाल के मार के बैठ गए, आप चाहें वज्रासन में भी कर सकते हैं। वज्रासन की पोजीशन मैं आपको वज्रासन में करके दिखाता हूँ। उसको वज्रासन के लिए आप दोनों पैर को घुटनों से मोड़कर इस स्थिति में आ जाइए, इसे बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में आ गए। अब आपको क्या करना है, सामने पंजा दिख रहा है, आकाश मुद्रा के लिए ये जो माध्यिका उंगली है, माध्यिका उंगली को अंगूठे से टच करना है, और ये साइड की दो उंगलियाँ और ये उंगली तर्जनी, ये दोनों सीधे रहेंगे। अब इसको सामने इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पद्मासन या सुखासन या फिर वज्रासन की स्थिति में कर सकते हैं। तो मैं वज्रासन की स्थिति में कर रहा हूँ, उसको सीधे रहेंगे। तो दोस्तों, इस आकाश मुद्रा से आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। इससे हमारे जो हृदय की कमजोरी दूर होता है, साथ ही हृदय का विकास अच्छे से होता है। तो इस आकाश मुद्रा से दोस्तों आपको आपका जो हृदय है वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, अब जो हमारा चौथी मुद्रा है वो है पृथ्वी मुद्रा। दोस्तों, पृथ्वी मुद्रा करने से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होती है, और पृथ्वी तत्व की प्राप्ति होने से जिन लोगों का शरीर कमज़ोर होता है या फिर जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और वो यदि पृथ्वी मुद्रा को करते हैं तो उनका शरीर मजबूत और हेल्दी हो जाता है, साथ ही उनकी अस्थियाँ, हड्डियाँ, बोन्स मजबूत हो जाते हैं। तो आप पृथ्वी मुद्रा को जरूर कीजिए 3 से 5 मिनट हो जाना। दोस्तों, पृथ्वी मुद्रा के लिए आप किसी सुखासन या वज्रासन की स्थिति में
जाएंगे। इसके बाद आप ये जो पंजे हैं, ये जो रिंग फिंगर बोलते हैं इसको, ये है इस पहनते हैं। रिंग फिंगर को हम ओके से टच करेंगे ऐसे, रिंग फिंगर को हम ओके से टच करेंगे ऐसे, और सामने अगर किसी स्थिति में आ जाएंगे और अपना ध्यान श्वास पर लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा पृथ्वी मुद्रा हो गया। अब हमारा जो पांचवा मुद्रा है वो है सहज संख मुद्रा। तो दोस्तों सहज संख मुद्रा के लिए हम सुखासन की स्थिति में आ जाएंगे। तत्पश्चात जो हमारे ये पंजे हैं इनको हमें ऐसे करना है, एक दूसरे से पूरी तरह फंसा देना है ऐसे, ये इसको ऐसे बंद कर देना है। और जो ये दोनों अंगूठे हैं, ये दोनों अंगूठे दिख रहे हैं आपको, ये सीधे रहेंगे ऐसे, और इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं ऐसे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा तो यही रहता है यहाँ पर रखना। तो इस स्थिति को सहज संख मुद्रा कहते हैं। इसको भी आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। इस स्थिति में आने के बाद आप अपने श्वास का ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों इस सहज संख मुद्रा से 2 महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। पहला जो फ़ायदा है, यदि आप गले की रोग से संक्रमित हैं या परेशान हैं तो इस सहज संख मुद्रा को कर सकते हैं। और जो लोग हकलाते हैं या तुतलाते हैं, बोलने में तुतलाना जिनको आता है होता है, वो सहज संख मुद्रा को रोज़ाना कर सकते हैं 3 से 5 मिनट, उनको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। साथ ही जो दूसरा बेनिफिट है वो है, यदि जो लोग गुदा रोग से पीड़ित हैं या जिनको कह सकते हैं बवासीर है या उससे संबंधित कोई भी बीमारी है, तो इस सहज संख मुद्रा को कर सकते हैं। इससे उस बीमारी को ठीक करने में बहुत ही मदद मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इन्हीं खुशी के साथ आप सभी को मेरा